गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ना काफ़ी टाइम बाद आपसे सामने से बात कर रही हूँ, क्योंकि काम में है ना, बस काम काम, सारा दिन काम काम, अपने लिए तो टाइम है ही नहीं। और आज भी क्यों, आज आराध्या मेरे पास बैठी हुई है और साथ में बैठ के आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट हमारा किस टाइम हो रहा है, 10:45 का टाइम हो रहा है। सारा काम हो गया, अभी इंक्वायरी में गई थी यहाँ पर सोसाइटी में ही, ये दरवाजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वो सही कराने गई। और यहाँ पर बाहर काम चल रहा है तो कपड़े धोने का जल्दी रहता है कि जब तक काम शुरू हो ना तो कपड़े सूख जाएं, थोड़ा सा हवा लग जाती है ना तो फिर अंदर सूख जाते हैं कपड़े। तो कपड़े वपड़े धो लिए थे, हाथ से ही धोए थे वैसे तो मैंने। और अभी हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, और कल है आराध्या का पेपर SST का, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही है। अभी थोड़ी देर के लिए बैठी है, जब मैं बैठ गई वैसे पढ़ रही थी, अब मैं बैठी हूँ तो मेरे पास बैठ गई है, TV देखेगी। थोड़ी देर के लिए हम जैसे बाहर गए ना तो इसको बहुत तेज़ की गर्मी लग रही है। आते ही सबसे पहले खुले बाल में गई और आकर ही पहले अपने बालों को बांधा इसने। मैंने है ना मैट भी नहीं डाला, मैट मेरा उधर ही रखा हुआ है क्योंकि एकदम से चले गए थे, पहले काम निपटाने की रहती है। और देखिए अब ये पता है क्या करेगी, ये करेगी इसमें से ये कुछ निकाल रही है। और क्या क्या निकालेगी, सिर्फ ये जो चने हैं ना इनको निकालेगी, बाकी है ना प्याज ना टमाटर और जो इसमें आलू, मैंने आलू सिर्फ इसलिए डालती हूँ, मैंने कहा बच्चे खा ले, बच्चों को पसंद होते हैं आलू तो इसलिए डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी देखो खा के दिखाऊंगा, खा के दिखाएगी, खा के दिखा रही है कितना खाया ये चने, चने निकाल के खाएगी इसमें से। और इसमें मैंने नींबू डाल दिया था थोड़ा सा टेस्ट के लिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है इसको नींबू डाल के, बिल्कुल सिंपल खाती है, चने चने खाएगी बस। आपको पता है मेरे को गर्मी क्यों लग रही है, देखिए बहुत सारी वीडियो बना के आए हैं। हाँ आज इनते हैं ना डांस की वीडियो भी बनाई है पार्क में, बहुत टाइम बाद कभी कभी मूड होता है। गाने भी तो नहीं आ रहे थे समझ में, K-pop के। अच्छा अब आए तो आज बनाई है इसने, काफ़ी टाइम बाद बनाई है, सर्दियों से अभी बनाई होगी शायद। और ये बाहर काम चल रहा है तो पाइप फैला हुआ था उसके ऊपर छोटा सा ये ग्रास ऊपर बैठा हुआ था, और आराध्या देख रही थी तो आराध्या ने इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए ये बिल्कुल न्यू होता है। हम लोग तो काफ़ी देखते थे, हमारे टाइम में ये बहुत थे, लेकिन अभी है ना थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं ये चीज़ें। और ऐसे जब बच्चों को कभी कभी दिखाई देती है तो उनको बिल्कुल अलग ही लगता है ये। और फिर मैं अपना मशीन पर लेके बैठ गई थी अपने फ्री टाइम को इंजॉय करने के लिए, अपना काम भी हो जाएगा और मेरा टाइम भी कट जाता है। और मशीन से सूट सिल रही थी, ये मेरी दीदी का था, मेरा नहीं था। अब की बार जब मैं गई थी तो तब उन्होंने दिया था, सूट सिल के रख दूंगी, बाकी है ना जब कोई जाएगा तो लेके चला जाएगा, उनका निपटा दूंगी, अपना तो धीरे धीरे करती रहूंगी जब भी टाइम निकलता है। बस इसकी तुरपाई है, तुरपाई तो उठते बैठते हो ही जाएगी। और ये आराध्या का फ्रॉक सिला था, इसमें बटन की वजह से है ना ये यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि अलमारी में चला गया तो फिर भूल जाऊँगी, यहाँ पर रखा है तो याद रहेगा कि मुझे इसमें है ना अभी काम करना है। और यहाँ पर बनाया था सुबह ही आज जो लंच में लेके गए थे बच्चे, छोले और चावल, वाइट चावल जो होते हैं वो बनाए थे, यही बच गए थे, क्योंकि छोले एक ऐसी सब्जी है जो है ना कितना भी कम करके बनाओ थोड़ी बहुत बची जाती है, तो ये दोपहर में काम आ जाएगी। और अब मैं है ना अब मशीन को उठाकर रख दूंगी, क्योंकि अब है स्कूल का टाइम, अथर को लेने जाना है। और देखिए देखते देखते मेरी नज़र यहाँ पर पड़ गई, ये जो मैंने यहाँ छोटा सा डस्टबिन रख रखा है ना, तो इस पर है ना काफ़ी धूल मिट्टी जम गई थी, कोई भी चीज़ हो कितना भी सफाई कर लो थोड़ा बहुत बची जाता है। देखिए यहाँ पर है ना ये फट गया, मैंने कहा इसको भी चेंज करना है, क्योंकि ये रखा जब तो अच्छा लग रहा था, तो अब और कितने सारे पेन भर रखे हैं, इसमें से है ना आधे खाली होंगे और आधे भरे हुए होंगे जिनकी इंक है ना रिफिल ख़त्म हो गया होगा, तो ये एक दिन का काम है जो अलग अलग करके रखनी है। और देखिए वही मैं दिखा रही थी कि जितना कितना भी कर लो अगर थोड़ी सी भी है ना किसी सामान से निगाह बच गई तो रही जाती है धूल मिट्टी। और फिर हम है ना शाम को गए थे मार्केट,
तो यहाँ पर ये छोटा सा पर्स कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर सुंदर पर्स थे। एकदम से लेने कुछ और गए थे और निगाह यहाँ पर पड़ गई, तो लिए बिना फिर तो रहा नहीं जाता। और क्योंकि एक बार कोई चीज़ है ना पसंद आ जाए तो फिर लेने का मन करता है। और कुछ चीज़ें है ना कभी कभी दिखाई देती हैं, कुछ अलग ही लगा मुझे यहाँ पर ये पर्स, तो मैंने इसको ले लिया। और ये है रात का टाइम, अथर को देखे दूध पिला रही थी और एक दो घूंट भी इसके गले में नहीं जाएगा। दूध से तो बच्चे है ना बस परहेज ही करते हैं, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। जितना भी हो बाकी चीज़ें खिला लो लेकिन दूध नहीं। और मलाई के साथ इंजॉय कर रहा है, तो फिर मिलेंगे।